नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसोमेप्राजोल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इसोमेप्राजोल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इसोमेप्राजोल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसोमेप्राजोल टैबलेट पेट में उत्पन्न होने वाले एसिड की मात्रा को कम करती है। इसोमेप्राजोल टैबलेट का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, खट्टी डकारें आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अल्सर होने पर इसोमेप्राजोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसोमेप्राजोल टैबलेट को डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है, जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अल्सर हो सकती है। इसलिए इन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्टर इसोमेप्राजोल टैबलेट को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्ट्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ना हो, इसलिए आपका डॉक्टर इसोमेप्राजोल टैबलेट को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा इसोमेप्राजोल टैबलेट का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसोमेप्राजोल टैबलेट एक सॉल्ट नेम है। इसोमेप्राजोल टैबलेट को सोमप्रेज और नेक्स्ट्रो आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। इसोमेप्राजोल टैबलेट 20 mg व 40 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसोमेप्राजोल टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर इसोमेप्राजोल 20 mg या 40 mg टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। इसोमेप्राजोल टैबलेट को खाना खाने से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए, लेकिन इसोमेप्राजोल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको इसोमेप्राजोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इसोमेप्राजोल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसोमेप्राजोल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इसोमेप्राजोल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में इसोमेप्राजोल टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना, चक्कर आना व दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इसोमेप्राजोल टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक इसोमेप्राजोल टैबलेट का सेवन करने से, यानी कई महीनों या कई सालों तक इसोमेप्राजोल टैबलेट को लेने से शरीर में विटामिन सी, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसोमेप्राजोल टैबलेट को 2 सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार इसोमेप्राजोल टैबलेट को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। इसोमेप्राजोल टैबलेट की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब इसोमेप्राजोल टैबलेट का सेवन लगातार 1 साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार इसोमेप्राजोल टैबलेट का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से
इसोमेप्राजोल टैबलेट को ले रहे हैं, तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके। या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, और विटामिन डी के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं इसोमेप्राजोल टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इसोमेप्राजोल टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इसोमेप्राजोल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इसोमेप्राजोल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इसोमेप्राजोल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका इसोमेप्राजोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।